नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नए फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम फिर से मौजूद हैं नमो घाट यानी कि खिड़किया घाट पे, और यहाँ पे जो साफ सफाई का काम चल रहा है माँ गंगा के पीछे जाने के बाद, वो बहुत तेजी के साथ चल रहा है और इसी की अपडेट हम आज आपको बताएंगे और इसी के साथ आपको घुमाएंगे नमो घाट भी। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और दिखाएंगे आपको कि कहाँ कहाँ कितना काम पूरा हुआ है और किस तरीके से सफाई की जा रही है। तो बने रहिएगा वीडियो में, आइए चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा दें कि हम हैं नमो घाट पे, और नमो घाट पे जो सिल्ट थी वो पूरी तरीके से हटाई जा चुकी है। हालांकि ये जो भाग आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिल्ट अभी जमा हुई है, लेकिन जिस गति से साफ सफाई की जा रही है वो बहुत तेज है और आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ पे पूरी साफ सफाई कर ली जाएगी। और इस समय खड़े हम नमो घाट के सबसे फेमस प्लेस स्टैचू के सामने, और देखिए यहाँ पे लोग योग कर रहे हैं। तो इस जगह का इससे बड़ा यूज़ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये बनाया ही गया है यहाँ पे ध्यान के लिए, योग के लिए, मेडिटेशन के लिए। और आपको बताते चलें कि देखिए ये जो आप देख रहे हैं हिस्सा, अभी पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पे मिट्टी का पूरा एक लेयर जमी हुई थी, मोटी परत, जिसको लोग फावड़े से हटा रहे थे। यहाँ पे दो चार लोग काम कर रहे थे, लेकिन आज की स्थिति कुछ ये है कि बदली हुई है और एक फ्लोर पूरा साफ हो चुका है लोगों के यूज़ के लिए। और ये आप देख सकते हैं, और आपको बता दें कि जिधर आप ये जेसीबी मशीन खड़ी हुई देख रहे हैं उधर फेज टू का काम चल रहा है, यानी कि नमो घाट के एकदम सेकंड कॉपी बनाने की तैयारी है। और चूंकि पानी बढ़ा था तो काम को रोक दिया गया था, लेकिन अब जो है काम फिर से एक बार शुरू होने की तैयारी में है। और आपको बता दें कि बनारस का जो सबसे पहला स्विमिंग पूल था वो आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा होगा। और क्योंकि आपको बता दें कि ये जो खड़ा था ये वहाँ खड़ा था जहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ, बीच में खड़ा था, लेकिन पानी बढ़ने के कारण इसे यहाँ पर ले आके और इसे बांधा गया था इस पेड़ के सहारे। हालांकि ये यहाँ खड़ा था, लेकिन जैसे ही जलस्तर घटा है वैसे ही ये वहाँ चला गया है। तो कुछ यही स्थिति है नमो घाट की बनी हुई है, और अभी काम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, मिट्टी को बहुत तेज़ी के साथ हटाया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में कल से यानी कि 10 तारीख से पितृपक्ष भी शुरू हो चुका है और उसकी भी कुछ तैयारियां हैं। और नमो घाट पे इस तरीके का जो काम है ये किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक के लिए जितना जल्दी हो सके खोला जाना चाहिए, और इसी प्रयास में यहाँ के लोग भी लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इसे काम ख़त्म करके और पब्लिक के लिए इसे खोला जा सके। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में एक नए डेस्टिनेशन की तरफ और दिखाते हैं वहाँ की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। तो और देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे हम खड़े हैं, ये है खुला ऑडिटोरियम जिसे बनाया गया है, और ये सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं जो ऑडियंस के बैठने के लिए बनाई गई हैं। और यहाँ पर सुबह सुबह के वक्त जो है लोग राधे श्याम कहिए जप रहे हैं और प्रभु का नाम ले रहे हैं। तो बेहद ही नमो घाट पे आध्यात्मिक माहौल बन जाता है सुबह सुबह के वक्त। और आप देखिए कि इस ऑडिटोरियम के ऊपर भी काफ़ी सिल्ट जमा है। तो नमो घाट इस समय पूरी तरीके से सिल्ट में डूबा हुआ है, और हालांकि बहुत तेज़ी के साथ इसकी जो सफाई है वो की जा रही है। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि नमो घाट पे पानी के प्रेशर से कैसे सिल्ट को हटाया जा रहा है। और आपको बताते चलें कि ये नमामि गंगे के तहत विशाल प्रोटेक्शन फोर्स की कंपनी है, वो इस यहाँ घाट को सफाई कर रही है। और ये आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक इस समय सिल्ट ही सिल्ट आपको दिखाई देगा, और बहुत तेज़ी के साथ यहाँ काम किया जा रहा है जिससे कि पब्लिक के लिए घाट जल्द से जल्द खोला जा सके और यहाँ पर फिर एक बार लोगों की जो चहलकदमी है, लोगों का आना जाना है, वो शुरू हो सके। नमो घाट पे सफाई का काम बहुत तेज़ी के साथ होते हुए ये आप देख रहे हैं। और आपको बता दें कि अभी एक हफ्ते पहले जो माँ गंगा है सीढ़ी के वहाँ तक फुल ऊपरी फ्लोर तक जा चुकी थी, और जो ये आप खम्भे देख रहे हैं इसके पूरे खम्भे को कवर कर चुकी थी।
और देखिए अभी हम आपको एक फ्लोर दिखा रहे थे जिसकी सफाई की जा रही है पानी के प्रेशर से। और ये जो फ्लोर आप देखेंगे ये तो पूरी तरीके से अभी तक मिट्टी से और सिल्ट से पटा पड़ा है। और आप देखिए कि पूरा जो है अभी इसको साफ करना अभी बाकी है। आइए हम आपको इधर से दिखाते हैं। और ये देखिए, और सामने आपको दिखेंगे पतित पावनी माँ गंगा अविरल भाव से बहती हुई। और ये जो सामने आप देख पा रहे हैं ये है सीएनजी स्टेशन, और सामने आपको दिखेगा राजघाट का पुल। तो बेहद ही सुहाना दृश्य है, सुबह सुबह का वक्त है, ठंडा मौसम है, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम गंगा के किनारे खड़े हैं। एक आध्यात्मिक जो माहौल है वो भी है। देखिए सुबह सुबह ही घाट की सफाई की जा रही है। आपको बता दें कि इसी ऐसे ही पानी के प्रेशर से ये सभी घाट यहाँ पे इसी तरीके से साफ किए गए हैं। और इस फ्लोर से कम 3 से 5 फीट की जो मिट्टी की लेयरिंग है वो जमा हो चुकी थी यहाँ पे, लेकिन अब जो है यहाँ ये फ्लोर पूरी तरीके से साफ है। हालांकि अभी बहुत सी जगह हैं, अभी देखिए आपको बताएं, देखिए यहाँ पे भी मिट्टी के काफ़ी मोटी परतें जमा हैं। और ये देखिए माँ गंगा जब अपने किनारों से मिलकर वापस लौटती हैं अपने यथास्थान, तो शहर वालों को या बस्ती वालों को तो काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि जो किसान हैं और जो खेती करते हैं लोग, जो खेती व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए माँ गंगा का इस तरह आना किसी वरदान से कम नहीं होता है। क्योंकि आपको बता दें कि उनकी जो ये मिट्टी है जो छोड़ के वापस जाती हैं खेतों में, शहरों में नहीं खेतों में, उस वो जो मिट्टी होती है वो बेहद उपजाऊ होती है और शक्तिशाली होती है उत्पादन करने के लिए। और आपको बता दें कि साल में एक बार माँ गंगा का इस तरीके से बढ़कर आना और बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे कई सारे हमें फ़ायदे होते हैं। जैसे कि धरती की प्यास बुझती है, और जो तट हैं जहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता है वहाँ तक माँ गंगा पानी पहुँचा देती हैं, और ज़मीन में जो वाटर लेवल है वो बना रहता है। और दोस्तों आपको बताते चले हैं कि ये जो प्रेशर के पानी के प्रेशर से जो सफाई की जा रही है, ये गंगा जी में मोटर लगा के और उन्हीं के पानी से यहाँ की सिल्ट को, यहाँ की मिट्टी को हटाया जा रहा है। तो गंगा जी का पानी जो है गंगा जी में ही जाएगा और मिट्टी जो है सिल्ट जो है गंगा जी में ही जाएगी। तो कुछ भी अलग नहीं है, जो माँ गंगा ने दिया है उसी को यहाँ के लोग, जो लोग सफाई कर रहे हैं वो वापस गंगा जी को ही समर्पित कर रहे हैं।